हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं हूं बीके सिंह और आज हम आप लोगों के लिए क्लास टेंथ के सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी लेकर के उपस्थित हूं। लेंस सूत्र आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ये दो लेंस सूत्र है, एक उत्तल लेंस में और एक अवतल लेंस में, अलग अलग है। तो आज हम उत्तल लेंस में लेंस सूत्र बताने जा रहे हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम अब बिना देर किए हुए अब आपको शुरू करते हैं लेंस सूत्र, उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र को साबित करें। क्वेश्चन है आपका उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र एक बटा वी घटाव एक बटा यू बराबर एक बटा एफ को साबित करें। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछी जाती है, इस पर न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं। तो इसे आप देखें, लिखें, याद करें, इस पर न्यूमेरिकल बनाएं। तो ये आपका तो क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अब हम ये बनाया कैसे जाते, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस लेंगे। एक उत्तल लेंस लेते हैं, चलिए यहां पर एक उत्तल लेंस बना दिए। एक उत्तल लेंस बना दिए। अब देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, दर्पण में अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, लेकिन लेंस में उत्तल को कहते हैं, अपोजिट होता है, इसलिए फॉर्मूला भी यहां पर अपोजिट ही। तो यहां पर हम इसके मान लो ये लेंस है, लेंस का नाम एल, इसकी फोकस दूरी फिर बताएंगे। चलिए यहां पर कोई वस्तु है, वस्तु यहां ये कट गया, फोकस पर कट गया, ये कहां पर कटा, फोकस पर, और ये इसका सेंटर से होकर के गुजरेगा एक किरण, ये कट गया ना, तो ये हो गया इसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो वही ना होती है कि जब प्रकाश की किरण अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है। तो ये क्या हो गया, यहां पर कट गया, वास्तव में क्या हो गया, कट गया, तो यही इसका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तो अगर ये वस्तु है ओ ए, इसका नाम रख दे वस्तु ऑब्जेक्ट, और ये हो गया इसका प्रतिबिंब। बहुत ही आसान है। अब देखिए तो यहां पर इसका इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ई, ई ओ ए ई, इस बिंदु का नाम रख देते हैं बी, इस बिंदु का नाम रख देते ओ डैश ए डैश, ये प्रतिबिंब हो गया, ओ ए बटे ओ डैश ए डैश, ये है वस्तु, ये क्या है वस्तु यू, और प्रतिबिंब हो गया भी, और ये हो गया फोकस। फोकस दूरी को कहते हैं एफ। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये तो डायग्राम बन गया। अब पहले लिख लेते हैं वस्तु क्या है, वस्तु वस्तु हो गया ओए, वस्तु वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी ई ओ, ई ओ बराबर क्या हो जाएगा माइनस यू, लेफ्ट साइड है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब प्रतिबिंब हो गया ओ डैश ए डैश, ओ डैश ए डैश, और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हो गया ई ओ डैश, ई ओ डैश बराबर क्या हो जाएगा, ई ओ डैश बराबर प्लस भी फोकस दूरी, फोकस दूरी ई एफ, ई एफ बराबर क्या हो जाएगा प्लस एफ, राइट साइड है, चीन परिपाटी में हम बता चुके हैं। तो ये इतना चीज लिख लिए, अब इसमें लैंग्वेज लिखेंगे।
तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? माना कि एल कोई उत्तल लेंस है, माना कि एल कोई उत्तल लेंस है जिसके मध्य बिंदु ई से यू दूरी पर ओ ए कोई वस्तु रखी गई है। ओ ए क्या है? कोई वस्तु रखी गई है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब ओ डैश ए डैश के रूप में बनती है। यह प्रतिबिंब ओ डैश के रूप में भी दूरी पर बनती है ना, भी दूरी पर बनती है, भी दूरी पर बन रही है ओडेस एडेस के रूप में। यह प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक उल्टा है। बस इतना लैंग्वेज लिख दिए, उसके बाद थ्योरी को चुटकी में सॉल्व कर देंगे। देखिए यहां पर सब आदमी ध्यान दीजिए, देखिए अब चित्र देख रहे हैं। इसमें एक डायग्राम बनाए हैं, इसमें त्रिभुज ढूंढिए, समरूप त्रिभुज। यह देखिए यहां पर ई कोण सम्मुख है, तो त्रिभुज एओई और त्रिभुज ओ डैश ए डैश ई कथी होने के कारण? समरूप होने के कारण। तो समरूप होने के कारण क्या है? ये दोनों समरूप त्रिभुज है। अब करिए क्या, समरूपता के शर्त होती है दोनों त्रिभुज का लंब का अनुपात और दोनों त्रिभुज के आधार का अनुपात बराबर होता है। तो त्रिभुज AOE यहां पर देख रहे हैं ना, त्रिभुज AOE दिखाई दे रहा होगा, बड़ा सा लिख देते हैं, त्रिभुज AOE में इसका लंब क्या है? AO बट्टे त्रिभुज ओ डैश ए डैश ई इसका लंब क्या है? ए डैश ओ डैश बराबर। इसका आधार क्या है? ओ ई इस त्रिभुज का आधार क्या है? ओ डैश ई बस कुछ नहीं, मान दोनों का होगा। ओ ई का मान है ये है, ई ओ डैश का मान है ये है, इसीलिए समीकरण हो गया ये। जहां पर मान नहीं रहती है, मान देने के लिए उसमें से घटाया या जोड़ा जाता है। ये कंप्लीट। अब देखिए तथा त्रिभुज यहां पर देखिए, ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है, BEF और त्रिभुज ओ डैश ए डैश एफ त्रिभुज ए डैश ओ डैश एफ ए भी क्या है? समरूप है होने के कारण दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो बस वही शर्त, BEF का लंब क्या है? BE अब बटे ओ डैश ए डैश एफ का लंब क्या है? ओ डैश ए डैश बराबर। इसका आधार क्या है? EF बट इसका आधार क्या है? ओ डैश एफ देखिए बी भुजा जो है से क्या है? ओ ए भुजा के बराबर है, चूंकि BE बराबर OA। देखो BE भुजा ये OA भुजा के क्या है? बराबर है। तो BE के जगह पर क्या कर देंगे? OA बट्टे O-A- बराबर EF बट्टे O-F। O-F का कोई मान नहीं ना, तो लिखना देंगे
ई एफ घटाओ ई सॉरी ई एफ नहीं ई ओ डैश घटाओ ई एफ ई ओ डैश में से ई एफ को घटा देंगे तो ओ डैश एफ यानी ये हो गया समीकरण दो। समीकरण एक और समीकरण दो से तो समीकरण एक कितना है बाबू साहेब ओ ए बट्टे ओ डैश ए डैश बराबर ओ ई बट्टे ओ डैश ई। समीकरण दो कितना है ओ ए बट्टे ओ डैश ई डैश बराबर ई एफ बट्टे ई ओ डैश घटा ई एफ। ई दोनों से ई दोनों कट गया बराबर है आर पर तो ओ ई बट्टे ओ डैश ई बराबर ई एफ बट्टे ई ओ डैश घटा ई एफ। अब इसमें क्या करना है मान देना है ये वाला जो है मान उसी को दे देंगे तो चलिए आप लोग इसका मान दीजिए कि दे दे हम इतना में दे दे हो जाएगा इतना में थ्योरी से। अब मान देने पर इतना पर यहीं पर देते हैं मान देने पर तो मान दीजिए ओई ओई के जगह पर कितना देंगे ओई के जगह पर माइनस यू बटे ओ डैश ई तो ओ डैश ई के जगह क्या देंगे प्लस भी बराबर। अब देखिए ई एफ के जगह पर कितना देंगे ई एफ के जगह पर देंगे प्लस एफ बटे ई ओ डैश क्या देंगे v माइनस ई एफ के जगह f। ये दे दिए मान अब इसको क्रॉस गुना करना है तो क्रॉस गुना कैसे करेंगे देखिए u माइनस u को v से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस u v माइनस को माइनस गुना करेंगे तो प्लस u को f से गुना करेंगे तो हो जाएगा f u बराबर इधर को इधर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा v f। बस क्या करना है इसको इधर ले आइए तो माइनस यू भी प्लस एफ यू माइनस यू एफ बराबर जीरो। इसमें तीनों में क्या करना है यू भी एफ से भाग कर देना है तीनों में क्या करना है तीनों में यू भी एफ से भाग देने पर तो माइनस यू भी बट्टे यू भी एफ प्लस एफ यू बट्टे यू भी एफ माइनस भी एफ बट्टे यू भी एफ इजकल टू जीरो। इससे ये कट जाएगा तो कहते एक बट्टा एफ प्लस एक बट्टा भी माइनस एक बट्टा यू बराबर जीरो कट जाएगा ना यू भी से यू भी कट जाएगा एक बट्टा एफ बच गया एफ यू से एफ यू कट गया तो एक बट्टा भी बच गया माइनस ए भी एफ से भी एफ हो गया तो एक बट्टा यू हो गया। अब देखिए एक बटा भी माइनस एक बटा यू बराबर इसको माइनस में है बराबर उधर ले जाएंगे तो एक बटा भी प्लस हो गया। यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था सिद्ध हो गया एकदम 10-12 मिनट में क्या हो गया सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप जल्दी बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट करके।